अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चलें अब रोज़ा भाई से मुतालिक कुछ मज़ीद बातें हो जाएं। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनसे रोज़ा भाई रूठ कर चले जाते हैं। इन चीज़ों को मुफ़सदात सौम कहते हैं। नंबर एक, पिछली शर्मगाह से खाने पीने की कोई चीज़, दवा या कोई और चीज़ जिस्म के अंदर चली जाए और रोज़ा भाई का साथ होना भी याद हो तो उससे रोज़ा भाई टूट जाते हैं, चाहे वो चीज़ गलती से अंदर जाए या किसी के ज़बरदस्ती करने से। नंबर दो, कान में दवा या तेल डालने से रोज़ा भाई टूट जाते हैं। नंबर तीन, इज़्दिवाजी ताल्लुक़ कायम करने से भी रोज़ा भाई टूट जाते हैं। और कुछ काम ऐसे होते हैं जिनसे रोज़ा भाई टूटते तो नहीं हैं लेकिन अपनी मौजूदगी में उनके होने को सख्त नापसंद करते हैं और अगर कोई शख्स उन्हें करे तो बहुत नाराज़ हो जाते हैं। इसलिए मेरा मशवरा तो ये है कि ऐसे कामों से सख्ती से बाज रहें, जैसे टूथपेस्ट वगैरह करना। रोज़ा भाई की वजह से भूख प्यास की शिद्दत का इजहार करना, आई एम थर्स्टी, आई एम हंग्री, गीबत करना, झूठ बोलना, गालम गलोच वगैरह, नहाने की हाजत हो तो जानबूझकर देर करना, कुल्ली करते वक्त पानी हलक तक पहुंचाना, कोई चीज़ चखना लेकिन अगर कोई मजबूरी हो तो रोज़ा भाई को मना कर कुछ चखा भी जा सकता है, नाक में पानी डालते वक्त पानी नरम हड्डी से ऊपर ले जाना। और कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके बारे में लोग ये समझते हैं कि उनसे रोज़ा भाई नाराज़ हो जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल नाराज़ नहीं होते। और वो काम ये हैं, मिसवाक करना, खुशबू सूंघना, तेल लगाना, अपना थूक निगलना, इंजेक्शन लगाना, आँख में दवाई या सुरमा डालना, गर्मी और प्यास की वजह से गुसल करना या कुल्ली करना, मक्खी या धुएँ का हल्क में चले जाना, खुद ब खुद कह हो जाना, भूल कर खा पी लेना, खून निकलवाना, अलबत्ता अगर इससे बहुत ज़्यादा ज़ौफ़ का अंदेशा हो तो फिर मकरूह है। और मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि अगर कोई शख्स रमज़ान शरीफ में रोज़ा भाई को जानबूझकर तोड़ दे तो रोज़ा भाई को राज़ी करने के लिए क़ज़ा भी करनी पड़ती है और कफ़ारा भी देना पड़ता है। और अगर रोज़ा भाई से मुलाकात ही ना की हो या किसी शरई मजबूरी की वजह से उन्हें तोड़ा हो तो सिर्फ क़ज़ा से भी रोज़ा भाई मान जाते हैं। लेकिन एक बात जहन में रखें कि अगर कोई शख्स रोज़ा भाई की क़ज़ा कर रहा हो तो नियत मुझसे यानी सहरी से मुलाकात के वक्त ही कर लें या रात को कर लें, वरना क़ज़ा नहीं होगी और रोज़ा भाई भी राज़ी नहीं होंगे। अब आइए मैं रोज़ा भाई को मनाने के दोनों तरीक़ों को यानी नंबर एक क़ज़ा और नंबर दो कफ़ारे को ज़रा तफसील से बताऊँ। नंबर एक क़ज़ा, क़ज़ा का मतलब ये है कि आम महीनों में किसी दिन रोज़ा भाई को बुला लिया जाए और ख़ूब एहतमाम से उनकी खातिर मुदारात की जाए। अलबत्ता कफ़ारे में थोड़ी सी तफसील डिटेल है। रोज़ा भाई को राज़ी करने के लिए कफ़ारे देने की दो सूरतें हैं। नंबर एक, मुसलसल कंटिन्यूसली दो महीनों तक रोज़ा भाई को बुलाने का एहतमाम किया जाए। अगर किसी वजह से एक दिन भी आप रोज़ा भाई को ना बुला सकें तो दोबारा से दो महीनों की गिनती शुरू होगी। और अगर आप दो महीनों तक रोज़ा भाई की मेज़बानी ना कर सकते हों तो फिर दूसरी सूरत यह है कि 60 मिस्किनों को दो वक्त का खाना पेट भर कर खिला दें, इससे रोज़ा भाई राज़ी हो जाएंगे। इस सूरत में आपको कुछ सहूलियात मिल सकती हैं। अगर आपको 60 मिस्किन ना मिल सकें तो परेशान ना हो, बल्कि अगर किसी एक ही मिस्किन को 60 दिन तक खाना खिला दें तो भी काफ़ी होगा। अगर आपको खाना खिलाना मुश्किल लग रहा हो तो एक मिस्किन को 2 किलो गंदुम या उसकी कीमत 60 दिनों तक दे सकते हैं या 60 मिस्किनों को 2 किलो गंदुम या उसकी कीमत दे सकते हैं। रोज़ा भाई का फ़िदिया, अगर कोई शख्स बहुत बुरा हो या फिर उसे कोई नाकाबिले इलाज बीमारी हो और वो रोज़ा भाई की मेज़बानी का एहतमाम ना कर सकता हो और ना मुस्तकबिल में कभी रोज़ा भाई की मेज़बानी कर सकने की उम्मीद हो तो ऐसे शख्स का रोज़ा भाई से हर दिन की मुलाकात के बदले एक मिस्किन को 2 किलो गंदुम या उसकी कीमत देना ज़रूरी है।
जिसे फिदिया कहते हैं। इल्म खुदा की रोशनी है, हम इस रोशनी को आप तक पहुंचाने के लिए कोशां हैं। आइए हमारा साथ दीजिए, क्योंकि रोशनी है आपका हक। एजुकेशन इज द लाइट ऑफ गॉड, वी आर वर्किंग टू स्प्रेड दिस लाइट। लेट्स कम एंड ज्वाइन अस, बिकॉज लाइट इज योर राइट।